हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। 1 जुलाई को रेलवे मिनिस्टर ने फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसके द्वारा प्राइवेट कंपनियों को अलाव दिया गया है ट्रेन चलाने के लिए 109 रूट्स पर। और इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFQ कहा जाता है, जिसके द्वारा भारतीय कंपनी को 151 ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। इन 109 रूट्स पर इसका उद्देश्य है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास सर्विस भारतीय रेल के पैसेंजर को मिले। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन BK यादव ने ऐसी आशंका को गलत बताया है, जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे जॉब्स में कटौती होगी या फिर जो गरीब लोग हैं उन्हें यात्रा करने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। ऐसा कोई भी संभावना से साफ तौर से मना कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट ट्रेन जो भी चलाई जाएंगी उसमें 5% प्राइवेट ऑपरेटर होंगे और जो 95% में है वो भारतीय रेलवे के ही होंगे। और जो बिडर होंगे इसमें प्राइवेट कंपनी के, वो अपना मैक्सिमम शेयर रेवेन्यू भारतीय रेलवे को देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें 35 साल के लिए ट्रेन चलाने को दिया जाएगा। इस इन्फोग्राफ में आप देख सकते हैं 151 ट्रेन चलाई जाएंगी 109 रूट्स पर और 30,000 करोड़ का निवेश होगा। चलिए और भी इसके कंडीशन को हम लोग जानते हैं। एक कंडीशन ये है कि ट्रेन जो भी चलेंगे वो अपने ट्रैक पे बहुत ही फास्ट चलेंगे अपने रूट पर, और इसे इंडियन रेलवे द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके जो डिजाइनिंग होंगी ये, और इसका मैक्सिमम स्पीड जो होगा 160 किलोमीटर होगा पर इसमें। और उसके बाद ये जो होगा इसमें जर्नी का टाइम जो होगा एकदम करेक्ट होगा, वो सही टाइम पे अपना पहुंच पाए। और इसमें ये है क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी इसकी। और उसके साथ ही साथ प्राइवेट ट्रेन को इसका फाइनेंसिंग, प्रोक्योरिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भारतीय रेलवे को ही देना होगा। और सबसे ये भी है कि इसमें जो चार्जेस भी कुछ लगेंगे, जैसे कि एनर्जी हो गया चार्जेस और हल्क चार्जेस इस सब का। और साथ ही साथ जो इसका बिडिंग प्रोसेस होगा, जिसका रेवेन्यू होता है, ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि इसमें जो वर्कर होंगे, गार्ड्स होंगे, इंजीनियर होंगे, ये सब इंडियन रेलवे के ही होंगे, वही इस ट्रैक को मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ IRCT सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे जिसे कहते हैं, फिलहाल ये 3 ट्रेन ऑपरेट कर रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट ट्रेन। जैसे लखनऊ से न्यू दिल्ली जाने के लिए तेजस जो होता है एक्सप्रेस है, अहमदाबाद से मुंबई तेजस है, और काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर तक, ये 3 प्राइवेट ट्रेन है। हालांकि अभी तो 3 प्राइवेट ट्रेन चल रही है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।